everyone, this is Shikha Srivastav from Mathematics Farm. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग class 6 chapter 5 that is understanding elementary shapes में try this problem solve करेंगे जो कि page number 67 पर given है. इस page पर 5 try this problem given है. One by one हम सबको solve करेंगे. First is look around you and identify edges meeting at corners to produce angles. List 10 such situation. आपको अपने अगल बगल देखना है और वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसी चीजों को जिसमें एजेस मीट हो रहे हो एट कॉर्नर्स. ठीक है, एजेस मीट हो रहे हो कॉर्नर्स पर टू प्रोड्यूस एंगल्स. और ऐसा जब एजेस मीट होती है कॉर्नर्स पे तो वहां पे एंगल बनता है. लिस्ट 10 सच सिचुएशंस. आपको ऐसी 10 सिचुएशंस लिखनी है जहां पे एजेस मीट हो रही हो कॉर्नर पे और वहां पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा. तो आपको 10 सिचुएशन लिखनी है. तो चलिए लिखते हैं. सबसे पहले नोटबुक या फिर बुक, कुछ भी आप लिख सकते हैं. दोनों में क्या होती है, नोटबुक देखिए ऐसे होती है ना, ये कुछ ऐसे होती है नोटबुक. तो नोटबुक में देखिए एजेस मीट होती है, कॉर्नर्स फॉर्म करती है और यहाँ पे क्या होता है, एंगल बनता है. देन उसके बाद सेकंड इज डोर. आपका जो डोर होता है ये देखिए ऐसा कुछ होता है डोर. यहाँ पे भी एजेस मीट होती है और एंगल बनता है. नेक्स्ट विंडो. देन उसके बाद ये जिस व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रही हूँ उसमें भी देखिए ये एज मीट हो रही है. यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है और एंगल बन रहा है. तो लिख दीजिए व्हाइट बोर्ड. देन उसके बाद डस्टर में भी एजेस मीट होती हैं. ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, अलमीरा. कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया. अभी हमें 4 और लिखना है. और क्या क्या लिख सकते हैं जल्दी जल्दी बताइए, क्या क्या लिख सकते हैं. टेलीविजन, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स या फिर कोई भी बॉक्स आप ले लीजिए. ठीक है, और उसके बाद स्केल, इरेजर. ठीक है, 10 हो गए. ऐसे ही आप और भी ऑब्जेक्ट सोच सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो. सो ये रहे हमारे 10 ऑब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें क्या है, एजेस मीट हो रही है कॉर्नर पे और वहां पे एंगल बन रहा है. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज लिस्ट 10 सिचुएशंस वेयर द एंगल्स मेड आर एक्यूट. आपको ऐसी 10 सिचुएशन बतानी है जहां पे जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल बने. एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री. तो चलिए 10 सिचुएशंस बताते हैं जहां पे एंगल लेस देन 90 डिग्री बनता है. पहली सिचुएशन है लेटर बी में आप देखिए एक्यूट एंगल बन रहा है ना, ये देखिए लेटर बी. और कौन कौन सा लेटर है, लेटर ए भी है और लेटर एम है. ये देखिए यहाँ पे भी एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ और यहाँ. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं. देन उसके बाद सेकंड इज हैंड फिंगर्स. ये देखिए हैंड के जो फिंगर्स हैं इनके बीच में भी ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये सारे एक्यूट एंगल हैं. तो लिख लीजिए हैंड फिंगर्स. देन उसके बाद थर्ड, एक क्लॉक बनाइए. यहाँ 12 होता है, 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8. ठीक है, अगर 2 o'clock या फिर 1 o'clock का टाइम हो रहा हो, देखिए अब यहाँ पे मैं 1 o'clock दिखा रही हूँ, दिस इज 1 o'clock. 1 o'clock में कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री. तो ये एक्यूट एंगल है. तो लिख दीजिए हैंड्स ऑफ अ क्लॉक
एट 2 o'clock या फिर 1 o'clock, 1 o'clock, ठीक है। 1 o'clock पे जो हैंड्स होती हैं वो एक्यूट एंगल बनाती हैं। देन उसके बाद फोर्थ में हम क्या लिख सकते हैं, ओपनिंग द बुक। जब आप बुक को ओपन करते हो, ये देखिए ये बुक है, ये आपने इसको ऐसे ओपन किया, ये देखिए इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये कैसा है, ये एक्यूट है कि नहीं, है कि नहीं, तो ओपनिंग द बुक हो गया। उसी तरीके से ओपनिंग द डोर, डोर भी आप ले सकते हो, ओपनिंग द डोर। देन उसके बाद सिक्स्थ, सी सॉ, ठीक है, ये एक झूला है, सीसो आप लोग जानते हो, ये देखिए एक नीचे आते हैं, एक आदमी नीचे आता है तो दूसरा आदमी ऊपर आता है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये देखिए, दिस एंगल, ये कैसा है, ये एक्यूट एंगल है। देन उसके बाद सेवेंथ में सीजर कैसे होती है, देखिए ये देखिए, तो ये कैसा एंगल बन रहा है, एक्यूट बन रहा है कि नहीं, तो सीजर हो गया। देन एट्थ में डिवाइडर, नाइन्थ में सीजर हो गया, डिवाइडर हो गया, और क्या क्या हम लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं पिज्जा स्लाइस, ठीक है, जैसे आपने ये हो गया कंप्लीट पिज्जा, ठीक है, पिज्जा का आप एक स्लाइस निकाल दीजिए, देखिए दिस इज, ये क्या होगा, ये एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा कि नहीं, करेगा ना, ये पिज्जा स्लाइस है। टेंथ में क्या लिख दीजिए, टेंथ में लिख दीजिए डिवाइडर, डिवाइडर हो गया ना, तो टेंथ में आप लिख दीजिए क्या, वो कंपास, कंपास में भी जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है, ऐसे होते हैं ना, तो कितना एंगल फॉर्म करता है, एक्यूट एंगल। ये रहा आपका आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट 10 सिचुएशंस वेयर द एंगल्स मेड आर राइट एंगल्स। अब आपको 10 सिचुएशन बतानी है जहां पे जो एंगल बन रहा हो वो राइट एंगल बन रहा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बुक, ठीक है, जो बुक की एडजेसेंट एजेस होती हैं वो 90 डिग्री फॉर्म करती हैं। देखिए ये आपकी बुक हो गई, दिस इज बुक, और यहां पे कितने कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। देन उसके बाद बुक के बाद ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स के कॉर्नर पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। देन उसके बाद सेट स्क्वायर्स, सेट स्क्वायर्स में आपके कैसे एंगल होते हैं, दो सेट स्क्वायर होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, एक होता है 90 45 45 का होता है ना, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है वो होता है 90 60 and 30। तो सेट स्क्वायर्स में भी यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। देन उसके बाद बुक होगी अलमीरा ले लीजिए, अलमीरा में जो कॉर्नर्स पे एंगल बनते हैं वो राइट एंगल बनता है। देन उसके बाद क्या लिख सकते हैं, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का भी कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है। देन उसके बाद और क्या ले सकते हैं, तो और ले सकते हैं विंडो, विंडो के कॉर्नर्स पे भी 90 डिग्री बनता है। ये व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। देन उसके बाद डोर, डोर हो गया, और क्या क्या ले सकते हैं, तो स्केल, स्केल का भी कॉर्नर होता है, इरेजर,
और क्या लिख सकते हैं? सो लैपटॉप स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, टीवी लिख सकते हैं, है ना? ये सारे बहुत सारे आप ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इज योर आंसर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड फाइव सिचुएशंस वेयर ऑब्ट्यूज एंगल आर मेड. आपको फाइव सिचुएशंस बतानी है जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल बनता हो. ठीक है, तो पहली सिचुएशन क्या है? सीलिंग फैन, आप लोग देखे हो सीलिंग फैन की जो विंग्स होती हैं उनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है. तो यहां पे लिख दीजिए विंग्स ऑफ सीलिंग फैन. देन उसके बाद ट्राइपॉड का बेस आप लोगों ने देखा है, ये मैं फोन जिसपे मतलब रखी हुई हूं ये ट्राइपॉड पे है. ट्राइपॉड में भी तीन ऐसे नीचे होते हैं लेग, तो उसके बीच में जो भी एंगल बनता है वो भी ऑब्ट्यूज बनता है. तो यहां पे लिख दीजिए बेस ऑफ ट्राइपॉड. थर्ड इज ओपन बुक. ठीक है, आप अपनी बुक को पूरा ओपन जब किए रहते हैं तो वो भी कितना बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल बनता है. देन उसके बाद ये एक तरह की डेस्क आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके की डेस्क, यहां पे आप अपनी बुक को रखते हो ऐसे बुक को. ठीक है, तो ये जो डेस्क है ये जो एंगल बन रहा है कितना है? ऑब्ट्यूज एंगल. तो यहां लिख लीजिए डेस्क रीडिंग बुक. ये जो डेस्क है रीडिंग बुक के लिए इसमें भी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है. और फिफ्थ, अब फिफ्थ है तो एक क्लॉक का एग्जांपल ले लीजिए. यहां पे मैं क्लॉक बना रही हूं, ये 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा. 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो मीन्स अगर मैं 5 o'clock बजाऊं, 5 o'clock, ये देखिए, तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है? बन रहा है कि नहीं? देखिए, अगर 3 o'clock होता, 3 o'clock, तो ये 90 डिग्री होता, बट अभी ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो 5 o'clock लिख दीजिए. Hands of clock at 5 o'clock. यहां पे भी obtuse angle बन रहा है. This is your answer. Now fifth question is list 5 other situations where reflex angles may be seen. आपको 5 सिचुएशंस बतानी है जहां पे रिफ्लेक्स एंगल देखने को मिले. तो रिफ्लेक्स एंगल सबसे पहले होता क्या है ये जानते हैं. रिफ्लेक्स एंगल होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. यही होता है रिफ्लेक्स एंगल. सो फर्स्ट इज डिवाइडर. ये देखिए डिवाइडर है आपके पास. डिवाइडर को अगर मैंने इतना ओपन किया है तो ये वाला एंगल तो एक्यूट एंगल होगा, लेस देन 90 डिग्री, बट ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है. तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं डिवाइडर का. ये देखिए यहां पे मैं डिवाइडर बना रही हूं, दिस इज डिवाइडर. ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा. देन उसके बाद एक क्लॉक बनाते हैं, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 and 8. रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए. तो चाहे आप 7 o'clock दिखा दीजिए, चाहे 8 o'clock दिखा दीजिए. देखिए ये 7 o'clock हो रहा है ना, तो 7 o'clock में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री से तो बड़ा बन रहा है. यहां तक 180 डिग्री होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा. तो आप लिख दीजिए हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 7 o'clock या फिर 8 o'clock. उसी तरीके से आप कंपास भी लिख सकते हैं. कंपास भी सेम ऐसे ही, वो जो कंपास ऐसे ही होता है,
ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये कैसा एंगल बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। देन उसके बाद पिज्जा, ठीक है, पिज्जा कैसे, पिज्जा का छोटा वाला स्लाइस आपको नहीं लेना, ये वाला स्लाइस नहीं लेना है, आपको बड़ा वाला स्लाइस लेना है, ठीक है, ये वाला स्लाइस। तो यहां पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कैसा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। मैं पिज्जा स्लाइस लिख देती हूँ, बट बिग पिज्जा स्लाइस होगा ये, ठीक है, लार्ज पिज्जा स्लाइस या फिर बिग पिज्जा स्लाइस, जो भी एंगल बनेगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। लास्ट इज रूफ टॉप, रूफ टॉप। अब रूफ टॉप में कैसे बनेगा, तो देखिए अगर मैं इस तरीके का कुछ रूफ टॉप ले लूं, ठीक है, सपोज एक रूफ टॉप है इस तरीके से, ऐसे होता है ना रूफ टॉप, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो एंगल है ये कैसा होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।